मरण समारोह में क्योंकि हम पूछते हैं ये जो इंडिया में आज आजकल जो एस्ट्रोसिटीज वुमेन सेक्स वायलेंस मर्डर किडनैपिंग मोलेस्टेशन ये सब जो चल रहा है इसमें देखा जा रहा है जो हिंदुओं का संख्या बहुत ज्यादा हो रहा है तो मेरे विचार में ये मेंटल डिप्रेशन ऑफ हिंदूज इसमें आपका विचार क्या है वो मालूम कर रहा है। ये इंडिया में चल रहा है बढ़ रहा है बहुत खतरनाक और बहुत अश्लाघ्य है लेकिन ये भारत में नहीं ये इंडिया में जहां इंडिया नहीं है केवल भारत है वहां जाके आप देखिए वहां ये बातें नहीं होती। आज भी जंगल में जाइए वहां इंडिया नहीं है वहां भारत है वहां देखिए ऐसा नहीं होता। जिसने भारत से नाता तोड़ा उसका ये होता है क्योंकि ये होने के पीछे अनेक कारण है उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि हम लोग अपनी मानवता को भूल गए अपने संस्कारों को भूल गए और मानवता संस्कार पुस्तकों में से भाटों में से नहीं आते वो परंपरा से मिलते हैं लालन पालन में से मिलते हैं परिवार में से मिलते हैं। परिवार में हम क्या सिखाते हैं दुनिया की महिला की तरफ देखने की दृष्टि मूल में क्या है क्या है महिला क्या है तो कहते महिला पुरुष के लिए भोग वस्तु है बोलेंगे नहीं ऐसा बोलेंगे बवाल हो जाएगा लेकिन मूल में जाकर आप अध्ययन करेंगे तो महिला पुरुष के उपयोग के लिए हाँ अब वो भी एक प्राणी है तो उसको भी समान अधिकार मिलना चाहिए तो ठीक है लेकिन मूलतः पुरुषों को क्या यूटिलिटी क्या है भोग वस्तु हमारे ऐसा नहीं हम कहते हैं कि महिला ये जगत जननी है कन्या पूजन होता है जगत जननी का अभी भी उत्तर भारत के कई प्रांतों में कन्याओं का नमस्कार नहीं देते क्योंकि वो देवता स्वरूप है उसको बड़े बड़े लोग झुककर नमस्कार कर नेता लोग भी उत्तर भारत के उनके सामने कोई कन्या आ गई नमस्कार करो नहीं वो स्वयं झुककर नमस्कार वो हिंदुत्ववादी नहीं है फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि परिवार का संस्कार अब ये संस्कार परिवार में अब जो तथाकथित अफ्लुएंट परिवार है उसमें है नहीं वो तो करियर ही समझ पैसा कमाओ जैसे कमाते हो वैसा कमाओ बाकी दुनिया में कुछ लेना देना नहीं। शिक्षा में उस संस्कारों को बाहर करने की होड़ चली एक के बाद एक संस्कार से कोई समझ नहीं भाई शिक्षा का उपयोग क्या है टेक्नोलॉजी में आगे जाओ और पैसा खूब कमाओ शिक्षा व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के लिए रामकृष्ण परमहंस कितने शिक्षित थे हम सबसे ऊपर उनको मानेंगे कि नहीं आज अगर सामने आ गए तो हमारे राष्ट्रपति जी सहित सब लोग आकर खड़े हुए रामकृष्ण परमहंस उनको नमस्कार करेंगे या राष्ट्रपति जी उनको नमस्कार करेंगे क्या होगा आप कल्पना करो यही होगा रामकृष्ण परमहंस को सब लोग साकार नमस्कार करेंगे पढ़े लिखे क्या है पढ़े लिखे तो साक्षर नहीं होंगे लेकिन विद्वान वही जीवन का सत्य जानते हैं जीवन में सुसंस्कृत रहते हैं मानवत्व से पशुत्व की ओर नहीं जाते मानवत्व से देवत्व की ओर जाते ये शिक्षा सिखाती है वो शिक्षा हमने शिक्षा संस्थाओं से उसको देश निकाला देती है और समाज के वातावरण में जो आदर्श रखना चाहिए बड़े लोगों को आदर्श सुसंस्कृति का नहीं रखते इसको ठीक करना पड़ेगा कड़ा कानून बिल्कुल होना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं कड़ी सजा दोषियों को होनी ही चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं फांसी की होगी तो हो विद्वान लोग विचार करें और तय करें हो सकती है तो वो भी करें लेकिन केवल कानून और सजा के प्रावधानों से नहीं बनती बात कानून है ट्रैफिक में कैसा चल रहा मानते क्या लोग जब तक पुलिस है तब तक कहीं भी मानते कभी कभी तो पुलिस है तो भी नहीं मानते और जितना बड़ा शहर और जितने अधिक संपन्न और सुशिक्षित लोग वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक के संबंध तोड़ते हैं
ऑब्जर्व करो, मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, फैक्ट ऑफ लाइफ है। विमान में बैठा पास में से एक सज्जन, वो मोबाइल पर बात कर रहे थे, दरवाजा बंद हो गया, वो आगे ले रोस्ते से, सर आपका मोबाइल नंबर दीजिए, हाँ हाँ ठीक है, फिर भी बात कर रहे, एक कॉल हो गया, दूसरा कर रहे बात कर रहे, वो आगे भी सजा, हाँ मालूम है पता चल गया, फिर तीसरे बार आ गए, बोले मुझे मत सिखाओ मैं करने वाला, चौथे बार आना पड़ा उसको, तो वाई आर यू पेशेंट मी, यू डोंट नो, I run 28 engineering institutions wherein I am in charge of keeping discipline. In charge of keeping discipline in 28 institutions doesn't know how to follow instructions in their own. और हमारे वनवासी क्षेत्रों में चले जाओ, अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, सबसे दबे लोग हैं, उनका कोई भी कार्यक्रम देखो, उनके घर का वातावरण देखो, इतना आनंद होता है, कोई खतरा नहीं, बहुत सभ्य बहुत सभ्य। ये जो शिक्षा है उस शिक्षा का मनुष्यत्व से नाता हमने तोड़ दिया, इसलिए करना तो ये करना ही पड़ेगा। कानून और व्यवस्था अगर चलनी है और मनुष्य पाप भीरु अगर होना है तो उसके लिए संस्कार आवश्यक है। अपने संस्कृति के संस्कारों को हमको बहुत जोर से बहुत जल्दी जीवित करना पड़ेगा, घरों में शिक्षा तब तो हम परिस्थिति बदल पाएगा। तब तक के लिए कड़े कानून कड़ी सजाएं कुछ तो डेटरेंट है तो होनी चाहिए, बाद में भी होनी चाहिए, दंड हमेशा होना चाहिए शासन प्रशासन के आगे और वो ठीक दिशा में चल जाते, वो इसका प्रोटेस्ट करने वालों पर नहीं चलना चाहिए, बलात्कारियों पर चलना, उसके लिए भी उनका संस्कार आवश्यक है, वो भी इस वातावरण से मिलता है, आज नहीं मिल रहा, ये पूरा इलाज हमको करना पड़ेगा तो इस समस्या से हम पार पा सकेंगे। हमारी महिलाओं की देखने की दृष्टि, महिलाओं की ओर देखने की दृष्टि, वो मातृशक्ति है, ये है वो उसको नहीं, वो देवी का रूप है, जगत जननी है, वो सारी प्रकृति की निर्माती है, हम सब लोगों की चेतना की प्रेरक शक्ति है और हमारे लिए सब कुछ देने वाली माता है। ये दृष्टि जब तक हम समझ लाते नहीं तब तक ये बातें होती नहीं, केवल कानून करने से काम नहीं चलता, वो होना चाहिए तो उसके साथ ये भी करना पड़ेगा।